तो फ्रेंड्स, मैं पंकज चौरसिया और आप देख रहे हैं पीके टेक वीडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम सब देखे थे कि कैसे आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल अकाउंट्स मल्टीपल यूजर के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर किसी ने वीडियो वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दिया हूँ। आप उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि इस यूजर का कैसे आप पासवर्ड दे सकते हैं विद कमांड, मतलब कमांड के साथ आप कैसे पासवर्ड दे सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल कमांड के थ्रू। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको चलना होगा CMD में, जो कि पिछले वीडियो में मैं बताया था कि इस पे CMD पे जाके राइट क्लिक करके एज एडमिनिस्ट्रेटर खोलना है। इसको यस करेंगे और देखेंगे कि अभी यूज़र कितने थे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यूज़र देखने के लिए क्या आप कमांड डालेंगे। तो इसके लिए आपको डालना होगा नेट यूज़र। तो मैं लिखता हूँ और एंटर करेंगे। नेट यूज़र एंटर करते ही ये आपको जितने भी अकाउंट्स हैं जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये PKTech करके एक अकाउंट बना के बताया था कि कैसे आप बना पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि इस PKTech जो अकाउंट बना है, इसका यूज पासवर्ड कैसे दे सकते हैं। ये तो उस समय पासवर्ड दिए नहीं थे। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ से आप जाके अगर यहाँ पे लॉग इन करते हैं, साइन इन करते हैं PKTech की, उस यूजर से आपसे कभी पासवर्ड नहीं मांगेगा, क्योंकि उस पर मैंने पासवर्ड नहीं दिया था। तो आज यही सीखेंगे पासवर्ड ऐसे कैसे दे पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप यहाँ से नेट यूजर से आपने यहाँ पे अकाउंट्स कितने हैं वो देख लिया। अब अकाउंट्स देखने के बाद आप जिस अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, या आपके पास पासवर्ड नहीं भी हो, कोई भी इसमें से आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं किसी भी अकाउंट्स का, आप एडमिनिस्ट्रेटर होंगे या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं भी होंगे, तो CMD एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ही खुलता है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर से खोल के आप किसी यूज़र का भी आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं बिना उसके जाने कि उसका पासवर्ड क्या है। उससे आपको पुराना पासवर्ड इंटर करने के लिए आपको नहीं पता बोलेगा कि आप पुराना पासवर्ड इंटर करें। तो यहाँ पे चलते हैं नेट यूज़र और PKTech जो यूज़र है, इसका पासवर्ड चेंज करना है या पासवर्ड लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे PKTech लिखा हुआ है, स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में। तो मैं लिखता हूँ PKTech। अगर आपका यूज़र दो वर्ड में है, जैसे PK Tech, तो आपको ऐसे नहीं देना होगा। आप इसको ऐसे लिख के उसके बाद से आप बाहर आएंगे, तब यहाँ पे आपको जो करना होगा वो कर सकते हैं। आपको पासवर्ड चेंज करना हो या डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मैं अभी पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा तो अभी सिंगल वर्ड में है, तो मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ PKTech और स्पेस देंगे। और यहाँ पे जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो आप पासवर्ड रखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 मैं रखना चाहता हूँ पासवर्ड, तो ये पासवर्ड आपका है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है कि द कमांड कम्प्लीटली सक्सेसफुली, मतलब ये पासवर्ड PKTech यूज़र के लिए ये पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। अब इससे ही आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे जाके ये PKTech यूज़र जो है, यहाँ पे जैसे एंट्री करेंगे आप, इससे लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे, तो उसके बाद से यही अब आपसे वो पासवर्ड मांगेंगे। पासवर्ड में क्या डालेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 डालेंगे, तब जाके उसमें लॉगिन कर पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी चल रही है मेरी, तो इसके जैसे यहाँ से लॉगिन करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, इसलिए मैं आपको लॉगिन करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप दोस्तों ये करके देखिएगा, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइज़।